जी अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सनियाज लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ माशाल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। सो आज मैं जो इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मंगाई थी वो आज मुझे एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे अराइव हो गए मुझे रिसीव होके, पर मैं उस पर वीडियोज नहीं बना पा रही थी। मैं मॉडेस्ट अबाया टाइप, जो आप अपार्ट फ्रॉम अबाया यू कैन वेयर दैट ऑल्सो एज अ काइंड ऑफ अबाया, तो ये मॉडेस्ट अबाया में आएगा। तो मैंने कुछ अबाया मंगाए थे ऑनलाइन और वो मुझे प्रॉपर टाइम पे रिसीव्ड हुआ है, कुछ एक आध लेट हो गया है। तो मैं बहुत दिनों से सोची थी आपके साथ वो शेयर करना है, बिकॉज प्रॉब्लम वॉज कि वो थोड़ा अल्टरेशन के लिए मैंने दिया था, बिकॉज मैं चाहती थी कि वो मैं पहन के भी आपको इसका एक लुक दिखाऊं। तो दिस इज बेसिकली इट इज कॉल्ड अ मॉडेस्ट अबाया। तो ये क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ये देखने के लिए कि एक्चुअली मैंने क्या मंगाया। तो ये मेरा फर्स्ट मॉडेस्ट अबाया है जो इट्स लाइक दिस। तो ये फुल यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये रेयॉन कॉटन है और इसमें ये पैटर्न दिया है, फुल शर्ट टाइप है, लॉन्ग शर्ट टाइप टॉप है। इसमें सारे ओपन बटन्स हैं, यहाँ पे पूरा ओपन होता है और इसमें कॉलर दी है चाइनीज टाइप में, और इसकी जो स्लीव्स है उसमें इलास्टिक लगी हुई है, जिसके वजह से क्या होता है जब आप पहनते हो तो इसको एक ग्रिप मिलती है, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। जो टर्की में अबाया पहनते हैं जो मॉडेस्ट लुक, वैसा ही लुक है इसका। बैक साइड इज टोटली प्लेन एंड ये 3 कलर्स में, ब्लैक, ग्रे एंड मरून। और इसमें जो बॉटम दी गई है ये भी कॉटन रेयॉन की है, फुल इलास्टिक, दिस इज इलास्टिकेटेड एंड दिस इज अ पैंट। सी ये पैंट है और ये काफी जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही। दिस आई आई थिंक आई ऑर्डर फ्रॉम मीशो, या मीशो। इसका प्राइस भी मैं ऊपर बता दूंगी और साथ में इसे मैं पहन के इसका एक लुक बताती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसे लगेगा। और इसमें स्टोल नहीं आया था, स्कार्फ नहीं आया, तो स्कार्फ आई हैव मनी, तो वो मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट करके मैं पहन लूंगी और फिर मैं इसका एक लुक आपको पूरा दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइज द सेकेंड वन जो मैंने ऑर्डर किया है वो दैट आई ऑर्डर फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की मैं आईडी भी आपको बता दूंगी, इट्स मॉडेस्ट मॉडेस्ट फैशन करके एक साइट है, मैंने वहां से ऑर्डर की थी। तो ये एक बहुत प्यारा कलर है, लेवेंडर कलर, ये आप देख सकते हैं। ये भी शर्ट टाइप में है बट इट इज लाइक नॉट दैट मच लॉन्ग, इसका इतना ही मतलब। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो इसका लेंथ इतना ही आता है और साइड बीच में एक बेल्ट है जो हम इसे से पुल करेंगे ना, तो इसका एक बहुत प्यारा लुक आता है। और ये माशाल्लाह ये इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत कॉटन, जो कॉटन है एक्चुअली फैब्रिक इसका इतना मस्त है, इतना मोटा है, आपको शायद देख के ही पता चल रहा होगा। इसमें कॉलर भी देखिए, ये मटेरियल इतना प्यारा है, इतना थिक है। और इसमें भी जो स्लीव्स है, स्लीव्स बड़ी प्यारी स्लीव्स हैं और मुझे बहुत पसंद आया था ये स्लीव्स का पैटर्न, जो बेल्ट टाइप पैटर्न दिया है, बेल्ट स्लीव्स दिया है, ये बहुत प्यारा है पहनने पे, बहुत अच्छा लगेगा। इसका पीछे से बैक साइड लुक आप ले लीजिए और ये इस तरह से लगेगा पहनने के बाद। और इस पे जो बटन्स दिए हैं वो स्टील के बटन है और ये माशाल्लाह इसका जो फैब्रिक है ना, आई रियली लाइक इट, ये मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी थिक, ठीक है। और इसमें जो बॉटम आया है वो प्लेन व्हाइट कलर का है, ये पूरा सेट मिला है विदाउट स्टोल और विदाउट एनी स्कार्फ, विच इज वेरी प्रिटी। और इसका भी कॉस्ट समथिंग 1600+ था, तो इसका भी मैं आप अमाउंट जो प्राइस मैंने परचेस की है वो भी बता दूंगी, इंस्टाग्राम की किस आईडी से मैंने परचेस की है, अगर आप चाहिए तो आप भी जाके मंगा सकते हैं। इसका जो बॉटम है, ये पैंट बहुत प्यारा है, जो पुराने टाइम पे हम पहनते थे ना बैगी पैंट कहते थे, बैगी पैंट समथिंग टाइप, वैसे ही पैंट का लुक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा लुक प्लीट्स दिया है सिंपल सा और ये बटन दिया हुआ है, ये पहनने के बाद इसका एकदम डिफरेंट लुक आता है, जैसे बलून जैसा आता है, पुराने टाइम पे जो बैगी पैंट्स पहनते थे ना वैसे ही है। बस सिर्फ इसमें एक चीज़ का फॉल्ट है कि इसमें पॉकेट्स नहीं आई हैं, तो ये मुझे थोड़ा मतलब, मगर इट्स वर्थ गाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फैब्रिक से आई एम वेरी मच हैप्पी विद द फैब्रिक एंड विद द पैटर्न। तो अभी ये भी मैं एक पहन के आपको इसका भी लुक बताती हूँ, तो आप देख लीजिएगा ये कैसे लगता है और ये इसे किस तरह कैरी करना।
डिस्टर्ब आया इसलिए मैं कह कि समटाइम्स हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कैरी करने में बहुत सारी दिक्कत होती है अबाया जो हम लेंथ वाइज पहनते हैं, तो कुछ ऐसे अबायाज भी अगर हमारे कलेक्शंस में रहते हैं तो ये बहुत इजी टू गो हो जाता है, कहीं हमें जाना है और कैरी करने में बहुत इश्यू होता है, तो हम वो उसका भी स्टाइल बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह से, आप उसको अच्छे से हिजाब कवर करके पहनेंगे ना तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये तो द थर्ड अबाया इज दिस वन, ओके दिस इज अ फुल लेंथ अबाया और ये भी मॉडर्न पैटर्न में ही है, इट्स इज वेरी नाइस। इसका जो मटेरियल है ये मसलिन मसलिन मटेरियल जो बोलते हैं ना सैटिन टाइप वैसा है, और इसकी जो स्लीव है ना वो कफ कफ स्लीव्स है, मतलब जब हम यहाँ बटन करेंगे तो ये बहुत प्यारा सा पहनने के बाद है ना, जब मैं पहन के आपको दिखाऊंगी ना तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि पहनने पे कैसा लगता है। ये सारे ओपन, ये भी सब नीचे तक लेंथ उसका ओपन, फ्रंट ओपन दिया हुआ, पूरा फ्रंट ओपन है और इसमें जो बटन्स दिए हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, और इसके सबसे प्यारा है मुझे ये लगा यहाँ पे दो पॉकेट्स बनाए हैं छोटे छोटे से प्यारे से पॉकेट्स है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ये बेल्ट है जो हमें भी, और साथ में मुझे इसके साथ एक स्टोल मिला था ब्लैक कलर का विच इज वेरी नाइस, बट वी कैन स्टाइल विद अदर स्कार्फ ऑल्सो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मुझे इसके साथ मिला है, जाएंगे तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो मैंने सोचा कि चलो जो तीन आ चुके हैं ऑर्डर हो चुका है तो मैं इसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सेकंड थिंग जो अबाया लास्ट वाले अबाया है इनकी जितनी भी प्राइसिंग्स वगैरह है वो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिलेगा तो आप जाके चेक कर सकते हैं कहाँ से मैंने परचेज किया। जो लास्ट अबाया था वो मेरा कोई डीलर है, मैंने उससे मंगाया था, तो विदाउट आस्किंग हिम आई कांट मेंशन हिज नेम। तो ये थी मेरी तीन प्रोडक्ट परचेस किया था जो मैंने अबाया मॉडेस्ट अबाया की। सो गाइज आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये अबाया का जो मैंने हॉल वीडियो बनाया है और ये आपको कैसे लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए, और इसका लुक जो मैंने पहन के बताया है वो भी आपको कैसे लगा, और मैंने कैरी बराबर से किया है नहीं किया है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मैं दिल तो नहीं कर रहा है पर अभी फिलहाल के लिए अलविदा लेती हूँ, और फिर वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलती हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को सबसे पहले तो शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी वीडियोस और मेरी चैनल ग्रो करती रहे, और आपकी दुआओं के साथ इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूं। तो इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन बाय।